ज़रब का कानून तबादिल या कानून मुस्तबदिल इस्तेमाल करते हुए तरकीब 2 ज़रब 34 को मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखिए और फिर दोनों तराकीब को हल करके साबित कीजिए कि दोनों के नतायज एक जैसे हैं। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब यह है कि 2 ज़रब 34 को हम किसी भी तरतीब से हम लिखें और ज़रब दें तो जवाब एक ही आए। तो यहाँ पर 2 ज़रब 34 हम इसे इस तरह हल करें या 34 ज़रब 2 हम इसे इस तरह इस तरतीब से हल करें, तरतीब कोई भी हो जवाब एक ही आना चाहिए। तो ये हम इसे हल करके देखते हैं। पहले तो हम 2 को 34 से ज़रब देते हैं, 2 ऊपर लिखते हैं, 34 नीचे लिखते हैं, इसे ज़रब का निशान लगा के ज़रब देते हैं। तो अब हमने 4 दूनी 8 होते हैं तो 0 लगाते हैं नीचे, 3 दूनी 6 या यूँ कहें कि 30 को जब हमने 2 से ज़रब दिया तो 60 हो गए। तो अब हम इन्हें जमा करते हैं, 8 जमा 0 8 और 6 नीचे आए, ये 68 हो गए। तो इसी तरह 2 ज़रब 34 68 जवाब आया। इसी तरह 34 को हम 2 से ज़रब देते हैं, 2 चौक 8 और 3 दूनी 6, ठीक, तो 34 ज़रब 2, इसका जवाब भी 68 आया। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यही है, 2 को 34 से ज़रब दें या 34 को 2 से ज़रब दें, तरतीब कोई भी हो जवाब 68 ही आएगा।